सुधीर जी, अपने आप में एक और इंटरेस्टिंग पहलू, अभी आपने प्रो इनकम्बेंसी का जिक्र किया, साथ ही क्या ये कहना सही होगा, क्योंकि आपने लगातार बड़े इंटरव्यूज किए, आप गए ग्राउंड पर, आप योगी आदित्यनाथ से भी मिले, हम अक्सर जब इस तरह के एनालिसिस होते थे तो माय समीकरण की बात करते थे समाजवादी पार्टी के लिए, क्या ये कहना सही होगा, उचित होगा कि अब हमें बात करनी होगी बीजेपी के माय समीकरण? जी देखिए, मैं अपने अनुभव से आपको ये बता सकता हूँ कि हम जब भी चुनावों का आकलन करते हैं और जब चुनावों को कवर करने के लिए जाते हैं तो हम हमेशा एक ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ जाते हैं, पारंपरिक माइंडसेट जो है। अब ये जो एम वाई समीकरण है, ये चुनावी विश्लेषकों का फेवरेट मनपसंद समीकरण है, जहां वो जातियों को और धर्मों को कंसोलिडेट करते हैं, फिर जमा घटा भाग इस तरीके का कैलकुलेशन करते हैं वो लोग, और वो बताते हैं कि देखिए ये वोट बैंक और ये वोट बैंक मिलकर ऐसा कर रहा है और ये सब कैलकुलेशंस हैं। तो उत्तर प्रदेश ने इन सारी कैलकुलेशंस को आज गलत साबित किया। ये जो पुराने ज़माने के जो फॉर्मूले हुआ करते थे चुनाव जीतने के, उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति ने गलत साबित किया है, और मैं कहूंगा कि पंजाब की राजनीति ने भी, पंजाब ने भी इन सारे फॉर्मूलेज को जो है गलत साबित कर दिया। तो आगे जब अगली बार जब चुनाव होगा तो हम, ये मीडिया के लिए भी बहुत सीखने की बात है अदिति, कि जब आप चुनाव को कवर करने के लिए जाएंगे तो अब आपको पुराने ज़माने के फॉर्मूले अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, जो पुराने ज़माने के जो टर्म्स थे उन्हें अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। और जो सबसे सरप्राइजिंग बात है वो ये है कि पूरा मीडिया और विपक्षी दल ये उम्मीद कर रहे थे कि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को बहुत नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा किसान आंदोलन की वजह से। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि किसानों ने बीजेपी को वोट दिया है और बीजेपी को किसान आंदोलन की वजह से कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। लोग कह सकते हैं कि पंजाब में नुकसान हुआ है, लेकिन पंजाब में बीजेपी बहुत छोटी पार्टी है, इसलिए पंजाब के नुकसान को डिस्काउंट यहां पर करना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी वजह से कोई आप देखिए नुकसान नहीं है। दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्योंकि वहां पर RLD के साथ समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन किया था, जाट वोट और मुस्लिम वोट कह रहे थे कि ये कंसोलिडेट हो जाएंगे, ये एक हो जाएंगे, लेकिन वहां भाई नहीं हुआ। तो आप देखिए कि जो हमने 80-20 का जो फॉर्मूला लगाया था, ये तो बात सही है कि 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन 80% ने एक साथ बीजेपी को वोट दे दिया है। तो बीजेपी ने जो 80 नंबर का प्रश्न पत्र अटेम्प्ट किया था उसमें बीजेपी ने अच्छे नंबर हासिल कर लिए हैं, और 20 नंबर को उन्होंने पहले से ही छोड़ दिया था, वो जानते थे कि ये 20 में से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये सारे जो कैलकुलेशंस थे, बहुत सारे जो मीडिया के लोग थे और बहुत सारे जो पत्रकार थे, रिपोर्टर्स थे, वो लगातार इस बात को कह रहे थे ग्राउंड जीरो से कि इस बार जो वोट है योगी के लिए, जो वोट है 80% वाला, ये विभाजित हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store. Download it now.